ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज से जन समस्या निवारण पखवाड़ा शुरू। बेमेतरा जिले में आज कुएं के अंदर जहरीली गैस के रिसाव से 3 युवकों की मौत। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है। नई दिल्ली में आज नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे लोगों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के सपनों को सभी राज्यों के सम्मिलित प्रयासों से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित राज्य विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में शामिल हुए। इस दौरान श्री साय ने राज्य की विकास योजना का खाका प्रस्तुत किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जिससे अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। बैठक में श्री साय ने राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का मुख्य फोकस स्किल्ड मानव संसाधन तैयार करने पर है। राज्य में शिक्षा को व्यावसायिक कौशल और ट्रेनिंग से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को ऐसी क्षमताएं देना है जो उन्हें रोजगार के लिए तैयार करें। राज्य में प्रत्येक छात्र के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें छात्र के शैक्षणिक अनुभव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में मौजूद होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक 96% घरों में पेयजल पहुंचा दिया जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट रोजगार उन्मुखी और देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाने वाला है। आज रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि बजट का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, मध्यम वर्ग को समर्थन देना और देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि बजट में कौशल विकास पर फोकस किया गया है। उधर दुर्ग में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट को सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये बजट वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर आज शाम 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगी। श्रीमती ठाकुर कल 28 जुलाई को अंबिकापुर में आंगनबाड़ी और सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करने के बाद पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज से जन समस्या निवारण पखवाड़ा शुरू हो गया है। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों और विभाग के 5 क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालकों से फोन पर बात कर नागरिकों की समस्याओं का गंभीरता से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जन समस्या निवारण पखवाड़े के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, नल कनेक्शन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धा अवस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और नामांतरण सहित रोजगार के प्रकरणों का निपटारा करने को भी कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR,
ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का कल समापन हो गया। इस सत्र में 5 बैठकें हुई। इस दौरान प्रथम अनुपूरक बजट पारित किया गया, साथ ही 3 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने मॉनसून सत्र के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों सहित विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये रेडियो के मासिक कार्यक्रम की 112वीं कड़ी है। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरी कड़ी है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्कों, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल DD न्यूज PMO और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। बेमेतरा जिले में आज कुएं के अंदर जहरीली गैस के रिसाव से 3 युवकों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं में 2 युवक पंप निकालने के लिए कुएं में उतरे थे। इस दौरान वे कुएं के अंदर ही बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के लिए तीसरा युवक भी कुएं में उतरा और वो भी बेहोश हो गया। तीनों युवकों की कुएं के अंदर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर तीनों मृत युवकों के शवों को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। उधर सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में भी आज कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से एक ग्रामीण की मौत हो गई। कबीरधाम जिले में आज 13 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस महिला माओवादी पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 5-5 लाख रुपए तथा मध्य प्रदेश में 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इस महिला माओवादी ने राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा और कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये माओवादी गोंदिया, राजनांदगांव, बालाघाट GRB डिवीजन के तहत टांडा मलाजखंड एरिया कमेटी सदस्य के रूप में सक्रिय थी। उधर दंतेवाड़ा जिले में 2 महिला माओवादियों ने DRG कार्यालय दंतेवाड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में आत्मसमर्पण कर दिया है। ये दोनों महिला माओवादी भैरमगढ़ एरिया कमेटी के तहत हुर्रेपाल क्षेत्र में सक्रिय थी। इस बीच सुकमा जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने 2 माओवादियों को विस्फोटक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों माओवादी पिछले महीने जगरगुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन को IED विस्फोट से उड़ाने की घटना में शामिल थे। इस घटना में 2 जवान शहीद हो गए थे। मिली जानकारी के अनुसार तदेम थाना क्षेत्र से कोबरा बटालियन के जवान तलाशी अभियान के लिए निकले थे। इस दौरान ग्राम कुर्रेगुट्टा के जंगल से इन दोनों माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कॉर्डेक्स वायर, जिलेटिन रॉड, बारूद, डेटोनेटर और नक्सल साहित्य सहित अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। जशपुर जिले में बीती रात एक दतैल हाथी के हमले में 2 भाइयों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार तपकरा वन क्षेत्र के ग्राम केरसई में एक दतैल हाथी ने घर में घुसकर 2 भाइयों पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोंडागांव जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इस बीच आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में हल्की से मध्यम वर्षा होने की खबर है। बस्तर संभाग के कई जिलों में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भी नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। भाटापारा बिलासपुर मार्ग पर स्थित सिमरिया घाट आज भी बंद रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज से जन समस्या निवारण पखवाड़ा शुरू। बेमेतरा जिले में आज कुएं के अंदर जहरीली गैस के रिसाव से 3 युवकों की मौत। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।